हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। तो ये जो नया मॉड्यूल मैंने स्टार्ट किया है वो केमिकल ऑपरेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम केमिकल प्लांट में एक ऑपरेटर के पास, एक ऑपरेशन में जो भी है, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से है, उसके पास बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए वो मैं देने की कोशिश आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे पहले जो टॉपिक मैंने लिया वो प्लांट के अंदर सेफ्टी एस्पेक्ट्स लिया है। पिछले वीडियो में मैंने परमिट सिस्टम का फ्लो बताया था कि परमिट कैसे फ्लो करता है, उसमें परमिट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, परमिट का इनिशिएटर कौन होता है, परमिट का एक्सेप्टर कौन होता है, परमिट बनाता कौन है, क्यों बनाता है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ परमिट्स मैंने बताए थे कि टाइप्स ऑफ परमिट्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, फिर से बता देता हूँ। कोल्ड वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट, वर्क एट हाइट एंड वेसल एंट्री परमिट, ये तो हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ परमिट समझे। अभी इस वीडियो में हम समझेंगे कि हॉट वर्क परमिट क्या होता है और कहां कहां पे हॉट वर्क परमिट लगता है। मैं वापस से पिछले वीडियो का परमिट का फ्लो एक बार वापस समझाना चाहता हूं। अगर आप स्टार्ट का वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले परमिट को इनिशिएट किया जाता है, एक नोटिफिकेशन जनरेट होता है जो कि कोई भी कर सकता है। दूसरा, उसका नोटिफिकेशन का अप्रूवल होता है। अप्रूवल जो है वो एरिया इंचार्ज हो सकता है या फिर आपका आपका मेंटेनेंस का हेड हो सकता है, इंचार्ज होता है, कोई भी हो सकता है, जो कि अप्रूव कर रहा है कि वो नोटिफिकेशन या वो काम जिस चीज का नोटिफिकेशन आया वो करना जरूरी है या नहीं। थर्ड होता है आपका परमिट जनरेशन, जो कि एरिया इंचार्ज इश्यूअर इशू करता है। उसके बाद आपका एक्सेप्टर, वो उस काम को देख के एक्सेप्ट करता है। एंड फिर एरिया एग्जीक्यूटिव उस परमिट को ओपन करता है, काम होता है, वापस से उसी फ्लो में सबसे पहले एक्सेप्टर आपका क्लोज करता है, एरिया एग्जीक्यूटिव क्लोज करता है और फिर एरिया इंचार्ज क्लोज करता है। ये हो गया आपका कोल्ड वर्क परमिट का फ्लो, जनरल परमिट का फ्लो। इसके बाद अगर आपका हॉट वर्क परमिट का फ्लो होता है तो उसमें एक सेल एक्स्ट्रा आ जाता है कि एक्सेप्टर और इश्यूअर के एक्सेप्ट करने के बाद, परमिट बनने के बाद, एक्सेप्टर के एक्सेप्ट करने के बाद वो परमिट अप्रूवल सेल में आता है। वो डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द वर्क, कितना हैजार्डस है तो किस लेवल तक अप्रूवल चाहिए वो डिपेंडेंट होता है कि उसमें अप्रूवल आपके प्रोडक्शन मैनेजर से शिफ्ट हो जाएगा या आपके प्रोडक्शन जीएम की भी जरूरत होगी या फिर आपके प्लांट हेड की जरूरत होगी, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द काम जो आप करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कोल्ड वर्क परमिट और हॉट वर्क परमिट दोनों समझेंगे। कोल्ड वर्क परमिट क्या होता है और हॉट वर्क परमिट क्या होता है पहले समझेंगे, और फिर कैसे और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कोई भी कोल्ड वर्क परमिट या हॉट वर्क परमिट बना रहे हैं। तो मैं बाकी परमिट्स को मिटा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड वर्क परमिट। किसी भी प्लांट में कोई भी जनरल वर्क हो रहा है जिसमें कि नॉर्मल काम है, जैसे कि किसी चीज का टाइटनिंग करना है, कोई भी काम में रिप्लेसमेंट करना है, सिंपल काम है, एक आरटीडी चेक करना है वो सही काम कर रहा है या नहीं, ऐसे जितने भी सिंपल काम से है जिसमें कि कोई बहुत ज्यादा हैजार्डस काम नहीं है, नॉर्मल लेवल पे रहकर काम करना है, हाइट पे काम नहीं है, वो सारे के सारे काम आपके कोल्ड वर्क परमिट में आते हैं। कोल्ड वर्क परमिट क्या हो गया कि ऐसे जितने भी काम जिनमें कि आपका हीट इन्वॉल्व नहीं है, फायर होने के चांसेस नहीं है, वर्क एट हाइट नहीं है, ऊपर से गिरने का चांस नहीं है, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से कोई केमिकल स्पिलेज या कोई भी ऐसा हजार्ड उत्पन्न हो जाए प्लांट के अंदर, जो सिंपल वर्क्स होते हैं जिसमें नॉर्मल टाइटनिंग आपके काम हो गए, चेकिंग के काम हो गए, पीएम के काम हो गए, ये सारे के सारे काम आपके किस में आते हैं, कोल्ड वर्क परमिट में। कोल्ड वर्क परमिट का फ्लो हमने पिछले वाले में बता दिया। तो ये होता है सिंपल काम, जनरलाइज काम जो आप रोज करते हैं और कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सिंपल काम जो सिर्फ और सिर्फ एरिया इंचार्ज और एक्सेप्टर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक परमिट जनरेट करके हो जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल डे टू डे वर्क्स में आप वो काम कर सकते हैं, उन सारे काम के लिए आपके पास कोल्ड वर्क परमिट जनरेट होता है।
फ्लो आपका कार्बोक्रोमेट का वही था जो अभी हमने स्टार्टिंग में रिवाइज किया है, पिछले वीडियो में भी आप जाके उस पूरे फ्लो को समझ सकते हैं। हॉट वर्क परमिट पे आते हैं। हॉट वर्क परमिट क्या होता है? हॉट वर्क परमिट आपका कोई भी ऐसा काम जिसमें सबसे ज्यादा आपके पास चांसेस होते हैं फायर होने के। तो हॉट वर्क परमिट में आपके पास कौन कौन से काम ज्यादातर आते हैं वो लिस्ट करता हूं। ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग, ये नॉर्मल काम जो कि रोज आपके प्लांट में होते हैं। कुछ भी ऐसे काम जिनमें कि आपके स्पार्क जनरेशन हो रहा है, या फिर ऐसे काम जिसमें कि आपका हीट आ रहा है और वो हीट कैन बी अ सोर्स ऑफ एक्सप्लोजन, कैन बी अ सोर्स ऑफ फायर। ऐसे जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम आपके हॉट वर्क परमिट में आते हैं। ये आपके नॉर्मल एग्जाम्पल से आपसे पूछता हॉट वर्क परमिट कौन कौन से हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइज में आपका ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग, या फिर आपका मतलब ये तीन ज्यादातर सबसे ज्यादा प्लांट में मेजर काम होते हैं। तो ये काम आपके जो जितने भी काम होंगे ये आपके सारे के सारे हॉट वर्क परमिट होते हैं। इसके अलावा अगर कोई काम आपका जो है हॉट सरफेस पे हो रहा है जिसका टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा है, जैसे कहते हैं 200 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर, उसके ऊपर आपको काम करना है, तो भी वो काम आपका हॉट वर्क परमिट में आएगा। तो ऐसे सारे काम जिसमें कि हीट जनरेशन या फिर स्पार्क जनरेशन या फिर चांसेस ऑफ फायर के हैं, वो सारे के सारे परमिट्स आपके हॉट वर्क परमिट के अंदर में आते हैं। और ऐसे कोई भी काम आपको करवाना है तो आपको हॉट वर्क परमिट इशू करना होगा। हॉट वर्क परमिट के पहले इशू करने से पहले जो आपके पास प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले एज एन इश्यूअर आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले होता है एरिया इज क्लीन ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, जहां भी हॉट वर्क परमिट होने वाला है उस एरिया के अंदर कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई अल्कोहल पड़ा है या फिर कोई ऐसा चीज, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल कहीं पर भी स्टोर करके अगल बगल रखा हुआ है, आपने कभी ड्रेन किया हुआ है कहीं से, मिथेनॉल ड्रेन कर लिया है और वो वहां पे पड़ा हुआ है, खुले में पड़ा हुआ है, स्पिलेज हो रखा है, तो वो एरिया सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि वहां पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कि फ्लेमेबल है। सेकेंड, आपके पास आप जो भी मशीन से करने जा रहे हैं, मान लेते कि आप ग्राइंडिंग मशीन से करने जा रहे हैं, तो ग्राइंडिंग मशीन की हेल्थ चेक करेंगे। मतलब ग्राइंडिंग मशीन का पीएम लास्ट बार कब हुआ था वो उसके उसके ऊपर लिखा रहेगा, टैग लगा रहता है कि आपने लास्ट बार इसको कब चेक करवाया था, इसके सारे सर्किट चेक हुए। पीएम उसका कहते हैं नॉर्मल, कि आपका उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपका लास्ट बार कब हुआ था। वो होने के बाद उसका वायर चेक कर लेंगे, थ्रू एंड थ्रू होने चाहिए, कहीं पर भी आपके पास ब्रेक पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पास इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेशन का पॉइंट रहता है। या फिर किसी को भी गलती से भी किसी ने उसके ऊपर पैर रख दिया, छू दिया, तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांस होते हैं। तो कभी भी आप ऐसे मशीन जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज रहते हैं वो सारे के सारे आपको थरली चेक करने चाहिए कि वो जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके इक्विपमेंट्स आपके हेल्दी हैं। तो आपको मशीन की हेल्थ चेक करनी है। मशीन की हेल्थ चेक करने के बाद आपको जिस भी सिस्टम पे काम करना है आपको पूरा का पूरा सिस्टम ड्रेन एंड आइसोलेट होना चाहिए। सबसे पहले ड्रेन एंड वॉश किया है, वाटर वॉशिंग किया है, या फिर किसी सॉल्यूशन से जिससे कि वॉश किया जा सकता है उस केमिकल को सॉल्वेंट किया है, वाटर वॉश कर रखा है, एकदम क्लीन कर दिया है, फ्लश कर दिया है, इसको कहते हैं ड्रेन एंड वॉश या फ्लश कर दिया है नॉर्मल लैंग्वेज में। यह होने के बाद
फिर हमको क्या चेक करना है कि ड्रेन होने के बाद उसके अंदर आपने आइसोलेशन किए हैं कि नहीं, एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट जितने भी हो। They should be isolated and सिर्फ isolated नहीं, positively isolated. Isolated और positively isolated में बहुत बड़ा फर्क है। Isolated मतलब क्या होता है कि आपने एक सिंपल वॉल बंद कर दी है दोनों साइड से एंट्री और एग्जिट, और उसमें से कुछ भी आ रहा है जा रहा है, नहीं है। पॉजिटिव आइसोलेशन में क्या करता है, आपने कोई चांस नहीं लिया है और आपने ब्लाइंड्स लगा दिए हैं, तो ब्लाइंड्स लगाने की वजह से आपका क्या हुआ, कोई भी चीज उसमें से आने के चांसेस है ही नहीं, तो आपने उसको मैकेनिकली फुली आइसोलेट कर दिया है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि काम की सेवेबिलिटी के ऊपर कि आपको आइसोलेशन करना है या पॉजिटिव आइसोलेशन करना है। तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपने बंद कर दिया है, वो चाहे किसी भी फ्लो के डायरेक्शन से आप देखेंगे, कंट्रोल वॉल के ऊपर ही सिर्फ काम करना है, तो आपने उसके पहले भी आपने बाईपास कर दिया है उसको बाईपास के थ्रू, और जितने भी आपके आइसोलेशन वॉल है एंट्री और एग्जिट आपने वो आइसोलेट कर दिया है, ड्रेन कर दिया है, फ्लश कर दिया है, वॉश कर दिया है। ये होने के बाद फिर आपको चेक करना है उस सिस्टम का जिसके ऊपर होने जा रहा है उसका लोटो लगा है कि नहीं, लोटो एप्लीकेशन। लोटो एप्लीकेशन आपके किसी भी तरीके से हो सकता है, यह आपका हो सकता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड लॉजिकल, तीनों। तो लोटो क्या होता है, लॉकआउट टैगआउट। लॉकआउट टैगआउट में क्या होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट के आप पार्टवर्क करने जा रहे हैं तो उसका आपको इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कराना पड़ेगा, उसके लिए एक उसका टैग होता है। लोटो में अलग से एक फुल ब्रीफ में उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, फिर भी आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिकल पर्सन आकर के उस सिस्टम को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर देता है कि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कनेक्टेड नहीं है। वो यहाँ पर फील भी कर सकता है, पैनल से भी कर सकता है, जैसा भी होना चाहिए उसका इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन पूरा का पूरा कर देगा। हो सकता है कि आपको मैकेनिकल आइसोलेशन की जरूरत पड़े कि उसमें मैकेनिकली बांध दिया या मैकेनिकली उसको लॉक कर दिया, मैकेनिकल लॉक्स आते हैं, तो मैकेनिकल आइसोलेशन की जरूरत हो तो मैकेनिकली भी आइसोलेट कर दे। लॉजिकल अगर आप सिस्टम से डीसीएस से उसको लॉक करना चाहते हैं कि ये ऑपरेट नहीं हो तो वो भी कर सकते हैं। तो लोटो एप्लीकेशन या आइसोलेशन हमने कर दिया है ताकि वो किसी भी सिचुएशन में आपके पास ऑपरेट नहीं हो और इंसिडेंट होने के चांसेस नहीं है। ये लोटो एप्लीकेशन होने के बाद आइसोलेशन, सारे आइसोलेशन चेक करने के बाद फिर जाकर के आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स में आपको चाहिए जहां पे भी काम हो रहा है वहां पे आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, वाटर होज लाइन, आपके कार में जहां पे फायर लाइन होगा उसमें से एक वाटर होज वहां तक आना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर आपके पास वहां पे रीच हो सके कि आप वहां पे वाटर यूज कर सके, वो आपको चाहिए। एक फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, फायर ब्लैंकेट, हॉट सूट। कई बार आपको ये चीज चाहिए ही चाहिए जिसमें आपका हॉट सूट, फायर ब्लैंकेट, इनकेस ऑफ फायर अगर आपका फायर होता है तो फायर के लिए आपको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास पहले से आपने तैयारी कर रखी है, वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है। फायर एक्सटिंग्विशर से अगर फायर बड़ी हो जाए, छोटी फायर है तो फायर एक्सटिंग्विशर से बुझ जाएगी, नहीं होगी तो आपके पास वाटर लाइन है, वाटर होज है, फायर लाइन से आप वो उसको यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ द फायर। इसके अलावा किसी को जल गया तो फायर ब्लैंकेट आपके पास होना चाहिए ताकि आप सबसे पहले उसको फायर ब्लैंकेट में रोल कर सकें। एंड लास्ट में आपके पास क्या क्या चाहिए, हॉट सूट चाहिए, पीपी चाहिए, हॉट सूट एंड रिक्वायर्ड पीपी। ये सारे प्रिकॉशन मेजर्स कंप्लीट करने के बाद
ही आप परमिट इश्यू करेंगे एक हॉट वर्क परमिट। ये सारे प्रिपरेशन होने के बाद फिर जो आपका एक्सेप्टर है वो ये सब चीज चेक करेगा, ये सब चीजें है, और दोनों लोग डिस्कस करेंगे इश्यूअर एंड एक्सेप्टर। इश्यूअर एक्सेप्टर में बैठ के नेचर ऑफ वर्क को समझेंगे। पहली बार में समझा है लेकिन अभी एग्जीक्यूट होने से पहले वापस समझे कि आज के सिनेरियो में आपका क्या क्या काम होना है और कैसे होना है। तो उसके बेसिस पे ये आपने प्रिकॉशन मेजर्स पहले ले लिए। अब कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टर की वो समझेंगे और उसके बेसिस पे आपका परमिट इश्यू कर दूंगा। परमिट इश्यू कौन करेगा? अगेन एरिया इंचार्ज। परमिट इश्यू होने के बाद फिर आपका जो एक्सेप्टर है, जो भी आपका एग्जीक्यूटर है, वो आपका मेंटेनेंस टीम का मेंटेनेंस इंजीनियर, जो कि एक्सेप्ट करेगा परमिट को कि हाँ ये काम होना है, ऐसे होना है, जो भी है। ये एक्सेप्ट होने के बाद अब ये जाएगा अप्रूवल स्टेज में। अप्रूवल स्टेज में किसके पास जाएगा? कोई भी हायर अथॉरिटी के पास जा सकता है, हो सकता है जो आपका नेक्स्ट ऑपरेशंस लीड कर रहा है, ऑपरेशन हेड के पास। या फिर आपका प्लांट हेड हो सकता है, प्लांट में जो भी है, जो आपका सुपरवाइजिंग है प्लांट में सबसे बड़ा, उसके पास आने पर अप्रूवल के पास जाएगा। वो अप्रूवल होने के बाद फिर ये वापस जो है फील्ड में आता है एरिया एग्जीक्यूटिव के पास। एरिया एग्जीक्यूटिव ने ये सारे काम पहले ही एग्जीक्यूट कर दिए हैं, लेकिन वापस से परमिट पड़ेगा। परमिट में क्या क्या था, उसने सब चीज किया है कि नहीं, टिक मार्क करेगा। एक्सेप्टर के एक्सेप्टर ने कुछ रिमार्क्स लिखे हैं, वो रिमार्क्स पढ़ेगा, उसके बेसिस पे परमिट को ओपन कर देगा। ये होने के बाद आपका काम चालू हो गया, आपका काम चल रहा है। हॉट वर्क परमिट आपका सिर्फ और सिर्फ एक दिन की वैलिडिटी होती है। तो हॉट वर्क परमिट्स आपका एक दिन के लिए वैलिड है, तीन शिफ्ट के लिए वैलिड है, फ्रॉम 9 to 6 जनरल साल में। यानी कि आपका कोई परमिट तीन बार, दो बार रिन्यू हो सकता है। फर्स्ट शिफ्ट में, जनरल शिफ्ट में अगर वो चीज इश्यू हुआ है तो सेकेंड शिफ्ट में उसको रिन्यू करना है, और सेकेंड शिफ्ट में रिन्यू करने के बाद वो आपका थर्ड शिफ्ट तक जा सकता है, विद परमिशन ही जा सकता है कि आपका एरिया इंचार्ज एंड प्रोडक्शन मैनेजर वो प्रेजेंट हो, तो वो काम जो है थर्ड शिफ्ट तक कंटिन्यू कर सकता है। अगर एरिया इंचार्ज है और प्रोडक्शन मैनेजर नहीं है तो भी वो शिफ्ट वो उसको एक्सटेंड कर सकता है, बट जस्ट फॉर दैट डे, एक दिन के लिए होता है। तो आपकी वैलिडिटी मैंने बात की, तो सबसे पहले आपका हॉट वर्क परमिट आपका इशू एंड वर्क ज्यादातर प्लांट्स के अंदर आपका सिर्फ जनरल शिफ्ट में होता है, 9 to 6 के बीच में होगा, उसके बीच में आपका एक्सटेंड हो सकता है, वैलिडिटी ओनली 1 डे। और किसी प्लांट में हो सकता है कि वो एज पर देर प्रोसीजर उन्होंने 2 दिन 3 दिन कर रखा हो, बट एज पर स्टैंडर्ड्स आपका हॉट वर्क परमिट एक ही दिन के लिए रहता है। क्यों रहता है, उसका भी रीजन है कि हॉट वर्क एक ऐसा परमिट है जो कि हजार्डस कैटेगरी के वर्क को डोनेट करता है, सॉरी डिनोट करता है। सो अगर आज मैंने मान लेता हूं कि मैं आज इश्यूअर हूं, मैंने एक परमिट हॉट वर्क परमिट इशू करना है, तो मैं आज के सिनेरियो को देखते हुए कोई परमिट इशू करता हूं। ये मैंने जितने भी काम किए हैं ये मैंने आज किए हैं और आज के सिनेरियो पे करके किए हैं। हो सकता है कल मैं आऊं और सिनेरियो कुछ अलग हो, प्रोसेस कुछ अलग हो, रात वाले ने कुछ और कर दिया, तो मुझे वापस से सारे के सारे काम वापस से रीचेक करने हैं, फिर से करने हैं। इसलिए क्या होता है कि एक फ्रेश परमिट निकलता है ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस मिनिमम हो। अगर आपके प्लान में हॉट वर्क परमिट 2-3 दिन के लिए एक्सटेंड होता है तो मैं आपको यह एडवाइस दूंगा कि आप भी अपने प्लान्स में ये चीज़ फॉलो करें कि हॉट वर्क परमिट की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ एक दिन की हो।
ये तो हो गया हॉट मेल प्रोग्रामिंग के बारे में, क्या क्या चीज है, क्या क्या है इस चीज के अंदर। इस परमिट के साथ कई कंपनियों में एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसको कि हम हीरा कहते हैं, जो कि हजार आइडेंटिफिकेशन और रिस्क एनालिसिस है। वो इस नेचर ऑफ वर्क को आइडेंटिफाई करता है, इसके साथ जुड़े हुए हजार्स क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करता है, इस काम को करने में कितना रिस्क है, कितनी बार एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, इसका अकरेंस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है एंड सीवियरिटी कितना है, इन तीनों को नाप करके हीरा का डॉक्यूमेंट बनता है, जिसके बेसिस पे ये काम करना है या नहीं करना है, कितना सीवियर है या रिस्की है वो डिनोट होता है। लेकिन हर प्लांट में ऐसा नहीं बनता है, बट ये चीज करना चाहिए। हीरा का डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज है, वो हम आगे सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हीरा के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो ये हो गया हमारा हॉट वेल परमिट का फ्लो और हॉट वेल परमिट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। मैं फिर से एक चीज वापस रिपीट कर देता हूं, कोल्ड वेल परमिट और हॉट वेल परमिट के बीच में उनकी वैलिडिटी एंड टाइम फ्रेम। सो आपका हॉट वर्क परमिट एंड कोल्ड वर्क परमिट, सो मैं वैलिडिटी की बात करूं तो ऑटो परमिट की वैलिडिटी 1 डे फ्रॉम 9 to 6 एंड 9 to 18 आवर्स कर देता हूं। कोल्ड वर्क परमिट आपका 7 डेज के लिए एक्सटेंड हो सकता है, 5 दिन एक्सटेंड हो सकता है, आपको एक्सटेंड करते रहना है। 7 डेज तक कोई इशू नहीं है, आपका किसी भी शिफ्ट में काम हो सकता है, तो इसमें कोई वैलिडिटी नहीं है। आपका 7 डेज तक आप किसी भी शिफ्ट में आप उसको रिन्यू कर सकते हैं विदाउट अ ब्रेक ऑफ 1 डे। अगर 24 घंटे से ज्यादा का ब्रेक हो गया है तो कोल्ड वर्क परमिट भी चेंज हो जाएगा। सो 7 डेज विदाउट ब्रेक, नॉट ब्रेक ऑफ मोर देन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स पूरे 24 आवर्स का ब्रेक नहीं है तो आपका कोल्ड वर्क परमिट भी लगातार एक्सटेंड हो सकता है। ये तो हो गया हॉट वर्क परमिट और कोल्ड वर्क परमिट की। हॉट वर्क परमिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस किया था, अप्रूवल। तो इसमें आपका अप्रूवल जो है आपका लीड या फिर जो आपका हेड होगा उसका अप्रूवल चाहिए। इसमें आपको ओनली एरिया इंचार्ज, यह आपके परमिट का बेसिक फर्क है जो आपको परमिट इश्यू करते समय चाहिए। बाकी नेचर ऑफ वर्क तो अलग अलग है, वो तो हमने समझ ही लिया। सो ये था कि आपका कोल्ड वर्क परमिट और हॉट वर्क परमिट क्या होता है और हम कैसे इश्यू करते हैं, हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सो आई थिंक दैट वॉज मोर देन इनफ। इसके अलावा और भी कोई चीज डिस्कशन का पॉइंट आपके हिसाब से लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इस परमिट सिस्टम को खत्म करने के बाद पूरा का पूरा आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं उनके ऊपर वापस से डिस्कशन करेंगे। कोई चीज छूट गई है या कोई चीज रह गई है वापस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।